हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आ गई बिल्कुल ही यूनिक एक रेसिपी लेके। आज जो मैं बना रही हूँ, इस फल का नाम है गोल्डन बेरी। इसे हिंदी में रस भरी भी कहते हैं। आपने कई बार खेतों में, जंगल में देखे होंगे इसके पौधे। जब छोटे रहते हैं तो ये, यानी कि जो कच्चे रहते हैं, वो ग्रीन कलर का रहते हैं, हरे रंग का, और जब पक जाते हैं इस तरीके से पीले रंग में हो जाते हैं। और ये बहुत ही फायदेमंद एक फल है। रसभरी फलों में औषधि गुण से भरपूर है। इसमें विटामिन की मात्रा बहुत ही है और आजकल ये शहर में बहुत ही मात्रा में बिकते हैं। और आप ऑनलाइन भी देखेंगे, आपको इजीली मिल जाते हैं। और ये खास करके विदेश में लोग खाते हैं, लेकिन जहाँ बात आते हैं हमारे देश में, कुछ कुछ गांव में तो खाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मैंने सुना है कि इसे नहीं खाए जाते हैं, ऐसे कहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये बहुत ही विटामिन है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक एक करके रसभरी के जो ये छिलके टाइप के हैं, इसे हम निकाल के अलग कर लेंगे। गोल्डन बेरी यानी कि ये जो रसभरी है, इसके बहुत सारे नाम हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से नाम होते हैं आपके इलाके में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके से हर रोज़ आप नए से नए रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो लाव किचन को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक करके सारे रसभरी को मैंने निकाल लिया है। और जैसे कि मैंने दिखाया, ये जब पक जाते हैं ना, यानी कि रस बहुत रहते हैं, तो साइड से फट से जाते हैं। तो मैंने इस रसभरी को अच्छे से धुल लिया है। अब इसे काट लेंगे। तो मैंने लिया है चॉपिंग बोर्ड। अब इस तरीके से देखिए हम स्लाइस करेंगे। फ्रेंड्स, आप रसभरी को ना इस तरीके से, पकी हुई रसभरी आप नॉर्मली जैसे फ्रूट हम खाते हैं उस तरीके से ही खा सकते हो, लेकिन इससे आज हम रेसिपी बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे गोल्डन बेरी को हम काट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे काट लिया है, मैंने जितना धुल के ले लिया था। अब चलिए बनाते हैं। ले लिया है मैंने एक पैन। अब पैन में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बटर। तो ये देखिए छोटा टुकड़ा का मैंने लगभग हाफ टेबल स्पून जितना बटर डाला है, बस इतना ही चाहिए। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने डाला है तिल 2 पिंच तक। अब तिल को ना इसमें ही एक बार सौते कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 टेबल स्पून गार्लिक, यानी कि लहसुन के कलियाँ मैंने बारीक बारीक काट लिया है 2 चम्मच तक। अब इस तरीके से सौते करेंगे बटर के साथ। फ्लेम को ना इस टाइम लो रखेंगे जिससे लहसुन जल नहीं पाए। तो इस तरीके से चला के बस जैसे ही बटर और लहसुन का एक धीमे धीमे से खुशबू आने लगे प्यारा सा, तब मैं इसमें डाल दे रही हूँ गाजर। तो गाजर भी मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। अब गाजर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और कुछ देर तक सौते करेंगे। अभी 2 मिनट तक हो चुके हैं सौते करते हुए। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक। तो नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार लीजिए। नमक डालने के बाद फिर से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ मिर्ची। तो मैंने यहाँ पे लाल वाला मिर्चा लिया है जिससे कि देखने में थोड़ा सा और कलरफुल हो जाए। थोड़ा सा बारीक चॉप करके डाल दिया है मैंने। फिर से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए और सौते कर लेंगे। 1.5 मिनट होने के बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ टमाटो। तो मैंने यहाँ पे बेबी टमाटो लिया है, जो छोटे साइज वाले टमाटर होते हैं वो वाले लिया है। इस तरीके से स्लाइस में ही काटेंगे, मिक्स करेंगे। टमेटो को हमें ओवर कुक नहीं करना है। टमेटो बस हल्का सा सॉफ्ट होंगे, बस हल्का सा सौते ही हम करेंगे। अब देखिए टमाटर पकते हुए ना स्किन हल्का सा सॉफ्ट हुए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नींबू के रस। तो मैंने एक मीडियम साइज का नींबू का हाफ ले लिया है और पूरे हाफ नींबू को ही निचोड़ के पूरा रस डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ढेर सारे धनिया के पत्ते चॉप किए हुए। एक बार मिक्स कर देंगे। अब एकदम एंड में जब गाजर और टमाटर सौते हो जाए, तब हम डालेंगे गोल्डन बेरी को। क्योंकि गोल्डन बेरी को हम लोग पकाएंगे नहीं, बस इसमें मिक्स करके ना फ्लेवर को इन्हेंस करना है, बस इतना ही। अब देखिए इस पैन को घुमाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। इसमें अभी इस वक्त स्पैचुला से नहीं चलाएंगे,
नहीं तो ना टमाटर और जो बेरीज हमने डाले हैं वो मैश होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1.5 चम्मच सोया सॉस। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा और खट्टे पसंद है तो आप इसमें ना इमली के पानी डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो अभी इस तरीके से बस मिक्स करेंगे, बस एकदम हल्के से। अब देखिए टमाटर पका तो है लेकिन मैश नहीं हुआ है, और इसमें जो गाजर हमने डाला था वो गाजर में हल्का सा क्रंचीनेस रहेंगे, एकदम पक नहीं जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम रेडी है, हम फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं। अब सोया सॉस डालने के बाद ना बस 1 मिनट तक हमें बस कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक करना नहीं होते हैं। अब 1 मिनट जैसे ही कुक करेंगे सारे फ्लेवर ना सोया सॉस के सब्जी और वेजिटेबल के अंदर चले जाएंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म मैं सर्व कर दे रही हूँ इस तरीके से गोल्डन वेजी सलाद, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से आप बना के ट्राई ज़रूर करना, आप डाइट में हो तब भी खा सकते हो, आप इसमें बिना बटर डाले भी बना सकते हो, और किसी भी टाइम आपको थोड़ा सा हल्की भूख में आप गोल्डन बेरी सलाद को खा के इंजॉय कर सकते हो। थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव से और एक छोटा सा लेमन के पीसेस से, बस एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स आज की ब्लूबेरी सलाद रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। आज का रेसिपी पसंद आए तो लाव किचन चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हर रोज़ मिलते रहेंगे ऐसे ही यूनिक रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी लेके। टाटा बाय बाय, टेक केयर।